हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपी मैच चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ए इनवर्स निकालना। अगर 2x2 का है, यानी कि ऑर्डर इसका क्या 2x2 है, तो आप इनवर्स इसका केवल देख के ही, यानी कि विद इन 2 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो बस ये आपको फॉर्मूला ये है इनवर्स का, देखिए ये फॉर्मूला लगाना और देखो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। फॉर्मूला होता है 1/mod a और एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। जैसे ही बस इसमें वैल्यू रखेंगे और देखो आंसर आ जाएगा। तो मोड ए की जगह क्या रखना, जरा समझेंगे। इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है ऐसे करके, तो ये आ जाएगा हमारा मोड ए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 7 = 14, बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। तो 2 × 7 = 14 और माइनस 3 × 4 = 12। अब देखो एडजॉइंट कैसे लिखना, एडजॉइंट में कुछ नहीं करना, बस इसको इंटरचेंज कर दीजिए। इन्हें क्या करना, इंटरचेंज करना ऐसे करके, यानी 7 के स्थान पर आप 2 रख दीजिए इसको इस, तो ये हो जाएगा 7 के स्थान पर क्या रख दीजिए, ये इंटरचेंज कर दो इनको, ये आगे 2, ठीक है। और इनमें साइन चेंज कर देना आपको, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। बस इसे चाहो तो एक लाइन और लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो 2 वाला तो बहुत ही आसान होता है, क्या हो गया ये ए इनवर्स। अब देखो 3 वाला मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में एक घंटे का बटन जो है बराबर में, ये भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलती रहेगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं ये सीख लीजिए पहले। तो देखो मोड निकालने के लिए हम क्या करा, हमने ए का मोड, इसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे मोड आपको निकालना। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो पहले तो ये तीनों लाइन आप ऐसे लिख लीजिए, 1 1 ऐसे यहाँ पे 3 4 3 और 3 3 4। अब आपको करना है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना इसे 5 इसे मैक्सिमम आप जो है 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। अब इसको जो पहली वाली लाइन है इसको रिपीट कर दीजिए 2 लाइनें, ठीक है। और इसे जो है बीच वाली पे आप इसको राउंड कर दो। अब करना क्या, जरा समझेंगे। बीच वाली पे हमने क्या करा, इसको राउंड कर दिया। अब देखिए हमें बस करना कुछ नहीं है, अब यहाँ से ऐसे करके इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो ये आ गया मोड, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 × 16, प्लस का निशान लगाते जाइए, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना, 3 3 9, 3 3 9। अब यहाँ पे ऐसे करके बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है इसकी, यहाँ से ऐसे 3 × 12 प्लस 3 3 9 प्लस 3 × 12। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 34 और ये हो जाएगा 33। 16 का आ गया 1, लो जी मोड निकल गया हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना है, फॉर्मूला लगाना। देखिए फॉर्मूला है ए इनवर्स बराबर 1/mod a और एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है। बस यहाँ पर देखो मोड ए हम निकाल चुके हैं, ये आ गया देखिए मोड ए कितना आया 1। अब एडजॉइंट ए निकाल के रखना है, बस देखो एडजॉइंट ए भी देखो ये आने वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो एडजॉइंट को निकालने के लिए जो काम हमने यहाँ पे किया तो वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, यानी कि पहले जो 3 एलिमेंट है उनको तो हम ऐसे रख रहे हैं, देखिए 1 1 1 और ये 3 4 3, ठीक है 3 3 4। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले तो आपको ये 3 2 लाइनें रिपीट करनी जैसा कि हमने पहले की थी, अब भी रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने रिपीट कर दी, ठीक है। अब एक काम और करना है आपको, यहाँ पे 3 है, अब आपको एक काम और करना है कि ऊपर वाली जो 2 लाइन है इनको और रिपीट करना है। तो ऊपर वाली जो 2 लाइन है उनको रिपीट करके यहाँ पे लिख दीजिए 1 3 3 1 3 1 4
थ्री वन फोर। अब जरा समझना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब करना क्या है आपको, जो पहली वाली लाइन है इसको इसको तो आप क्रॉस कर दीजिए, इससे तो आपको कुछ करना जलना है नहीं। अब बस देखो एडजॉइंट आपका आने वाला है, यानी कि इनवर्स आपका आने वाला है आंसर। अब देखिए ये इनवर्स आपका निकलने जा रहा है, तो इसको समझेंगे ध्यान से, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपका ए इनवर्स, ठीक। तो करना क्या है कि बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे करके, चार चौक सोलह, तीन तीन नौ, तो सोलह में से नौ घटा दीजिए, कितने बचेंगे वो लिखते जाइए, सोलह में से नौ घटाएंगे आएगा सात। ऐसे यहाँ पर देखिए, तीन तीन नौ, तीन चौक बारह, तीन तीन नौ, तीन चौक बारह, यानी कि लिखना, देखिए निकालना ऐसे है और लिखना ऐसे है। तो तीन तीन नौ, बारह में से नौ में से बारह है माइनस का तीन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे करना और लिखना कैसे, ऐसे तीन तिया नौ और चार तिया बारह, कितना बचा माइनस का तीन। अब दूसरी वाली रो में आ जाइए, यहाँ पर देखिए ऐसे कर दीजिए, तीन तिया नौ माइनस चार, यानी कि माइनस का एक। अब यहाँ पर आ जाइए, चार एकम चार माइनस तीन, एक बचा। अब यहाँ पर देखिए, तीन एकम तीन और माइनस तीन, जीरो आ गया। अब जाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आराम, बहुत ही आराम से आप जो है एक मिनट के अंदर इनवर्स निकाल सकते हैं, वैसे बहुत देर लगती है। तीन एकम तीन और माइनस चार, माइनस का एक बचा। यहाँ देखिए, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, जीरो आ गया। अब लास्ट वाला देखिए, चार एकम चार, चार में से तीन गया एक, लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो कितनी देर लगी, मुश्किल से आप एक मिनट के, मैक्सिमम एक मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, और दो वाला है तो उसे हम केवल जो है दो सेकंड के अंदर ही निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आप एसपी मैथ्स चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।